सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार। मेरा नाम डॉक्टर किरण नुरुटी है। मैं छत्तीसगढ़ प्रांत के सुदूर बस्तर अंचल की रहने वाली हूँ। बस्तर में 70% जनसंख्या गौड़ों की है। गुणवाना दर्शन के सभी साथियों को मेरा सेवा जोहार तथा हास पेन मोती रावण कंगाली जी और हास पेन सुनहर सिंह तारम जी, जिन्होंने आदिवासियों के वाचक परंपरा को लिपिबद्ध कर साहित्य का रूप देकर आदिवासी समाज को गौरवान्वित किया, उन्हें भी मैं सेवा जोहार करती हूँ। मैं उषा किरण आतराम मैडम जी को तथा प्रमोद पोटाई जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे गुणवाना दर्शन में लाइव आने का मौका दिया। मैं गुणवाना दर्शन के सभी दर्शकों को सेवा जोहार करती हूँ और उस फड़ा पेन को सेवा जोहार करती हूँ आप तक पहुँचने। आज मैं समाज के बारे में बताना चाहूँगी। गुणवाना समाज में हम पेन के बारे में बात करें। पेन और पेन यानी पूर्वज जो आज हमारे बीच नहीं है, हमारे गुणवाना समाज में कि ये जो पूर्वज हैं हमारे, वो हमारे आदर्श हैं। वो इसलिए आदर्श हैं क्योंकि उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य करके हमें प्रकृति में जीना सिखाया, प्रकृति के बीच जीना सिखाया। और ये जो परंपरा है या रीति रिवाज, सारी चीज़ों को हमको सिखाया, कैसे वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे और आज उन्होंने सामंजस्य बिठाकर ये स्थिति प्रदान की है हमें। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि गांव से हम पेनों की शुरुआत करते हैं। गांव के पेन, फिर परगना के पेन, फिर हम गोत्र पेन और उसके साथ साथ हम हानाडुमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि एक गांव कैसे होता है। एक गांव में जो पेन व्यवस्था होती है, तो जब भी यहाँ मैं आप लोगों को बस्तर के बारे में ही बताऊंगी क्योंकि यहाँ के बस्तर के जो गौड़ों की रीति रिवाज है, अब और जगहों में कैसे किस तरह का होगा ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन बस्तर के लोगों का जो पेन व्यवस्था है वो किस तरह है मैं वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। बस्तर में एक गांव की जब स्थापना होती है, तो जो व्यक्ति उस गांव को स्थापित करता है या गांव के जंगल को काटता है, वहां के खूटा बूटा को काटता है, और खूटा बूटा को काटने के साथ वहां वह अपने पेनों को स्थापित करता है, अपने कुल गोत्र के पेनों को स्थापित करता है। जैसे सबसे पहले माटी की स्थापना करता है, माटी की स्थापना के साथ वो यानी गांव का सीमांकन करता है, एक सीमा में कहां से कहां तक उस गांव की सीमा होगी, और सीमा में कुछ देवों को सीमा में स्थापित करता है। जैसे गांव के अंदर जिम्मेदारी होती है और गांव के बाहर वह तलुर मुत्ते की स्थापना करता है, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई उसे ठाकुर देव कहते हैं तो कोई ठाकुर दाई कहते हैं, लेकिन बस्तर में उसे तलुर मुत्ते के नाम से जाना जाता है। यह जो देवी होती है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। तो एक गांव जैसे स्थापित होता है, उसके साथ साथ
सीमा जो होते हैं, सीमा के नदी पहाड़ और जो क्षेत्र होते हैं गांव का, जो सीमांकन जहां किया जाता है, वहां पर राव पेन स्थापित किए जाते हैं। तो ये जो सारे पेन जो स्थापित होते हैं, वो सारे उस व्यक्ति जिसने उस गांव को पहला बसाया, उस गांव बसाने वाले व्यक्ति के कुल खानदान के व्यक्ति होते हैं। और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद उसे भी पेन का स्थान प्राप्त होता है गांव बसाने वाले व्यक्ति को, और उसी के खानदान का जो व्यक्ति होता है वह गायता होता है। और गायता प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक समस्त कार्यों का संचालन गायता के द्वारा किया जाता है, यानी आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कार्यों का। तो ये इस तरह के यानी पेन जो शक्तियाँ हैं, वो सारे पेन शक्तियाँ गायता को सहयोग करते हैं उसको गांव को चलाने के लिए। अब ये देखिए, एक गांव को चलाने वाले जो पेन यानी जो व्यक्ति होते हैं वो कौन कौन होते हैं, हम पहले इसके बारे में चर्चा करें। एक होता है मांझी। बस्तर में मांझी जो बनाया गया है तो वो राजा के द्वारा यानी पहले बनाया गया था। तो राजा ने अपने कार्य संचालन के लिए मांझी की नियुक्ति की थी। और ये जो मांझी होता है वो क्योंकि बस्तर के जो जितने भी राजा थे वो आदिवासी नहीं थे और दूसरे यानी जाति के थे, तो उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के ऊपर किस तरह से प्रशासन किया जाए या उन्हें अपने अनुसार कार्य में भागीदारी कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मांझी को उनके ऊपर यानी गायता, पटेल, सिरहा, गुनिया जो गांव के प्रमुख थे, जिन जो पूरे गांव को संचालित करते थे, उनके ऊपर उन्होंने मांझी को नियुक्त किया। तो ये जो मांझी है वो 30 से 40 गांव का एक मांझी होता है। अभी भी ये मांझी परंपरा वर्तमान में बस्तर में है और ये इनका प्रमुख होता है, यानी पटेल, गाय, भूम गायता, सिरहा, गुनिया, इनका प्रमुख होता है और गांव में इनका दखल भी है। ये राजनीतिक प्रमुख के रूप में हम इसे देखते हैं। दूसरा है पटेल। पटेल जो होता है जिसे कई जगहों में आदिवासी न हो के दूसरे जाति का भी है होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो ठाकुर जो होते हैं, ठाकुर या पटेल जो होते हैं वो गांव बसाने वाले कुल खानदान के ही व्यक्ति होते हैं। और ये समस्त गांव के राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। इनके द्वारा जो झगड़े आदि निपटाने का कार्य, धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य, समस्त कार्यों का संचालन इनके द्वारा किया जाता है। और इनके न्याय व्यवस्था में वह यदि किसी को दंड देता है, ये पंचों की व्यवस्था होती है और पंचों का प्रमुख पटेल होता है। और इसकी बात को गांव वाले सभी मानते भी हैं। और ये देखा जाता है कि ये ज़्यादातर जो अमीर व्यक्ति होता है गांव का वो पटेल ही होता है। उसके बाद आता है भूम गायता। भूम का मतलब होता है धरती, यानी इस भूमि का गायता। तो ये भूमि का गायता जो होता है वह गांव बसाने वाले कुल खानदान का व्यक्ति होता है। और उसके द्वारा जो संचालित व्यवस्था होती है वो समस्त जो पेन शक्तियां होती हैं
उन शक्तियों का स्वामी होता है और सारे जो देवता होते हैं गांव में, क्योंकि जब गांव बसाने वाले व्यक्ति जो थे जिसको भूमियार कहा जाता है, यानी भूमियार उस स्थान को कहा जाता है जहां पर पहला गांव बसाने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को दफन किया गया था और वह स्थान भी पूज्य माना जाता है। और पूज्य मानने के साथ ये जो भूम गायता होता है वो उसी खानदान का व्यक्ति होता है, क्योंकि उसी कुल के जो देव होते हैं उन्हीं को पूरे गांव की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया है। तो वो सारे जो पेन शक्तियाँ होती हैं वो भूम गायता की आज्ञा का पालन करते हैं। भूम गायता की आज्ञा का पालन करने के साथ ही उसे हर कार्य में सहयोग भी करते हैं। उसके साथ होता है सिरहा। सिरहा जो होता है वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर जो पेन शक्ति है वो आरूढ़ होकर आता है। यानी आदिवासियों में ये कहा जाता है कि बल्कि हम इसलिए हम वास्तविक हैं क्योंकि हम अपने पेन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं सिरहा के माध्यम से, यानी और हमारे ऊपर कोई भी समस्या आती है तो हम सिरहा के माध्यम से जब पेन उसके ऊपर आरूढ़ होता है तो हमारी समस्या को बताते हैं और उसके समाधान के उपाय भी हम जान लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो इस तरह से धार्मिक जो व्यवस्था है वो संचालित होती है हमारे गुणों की। उसके साथ होता है गुनिया। मैं भूम गायता के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। भूम गायता जो होता है वो समस्त भूमि से संबंधित समस्त कार्यों को संचालित करता है और जब उसके पूर्वजों ने गांव बसाने का विचार किया था तब वो लौकिक अलौकिक सभी का इसे भूम गायता को नियंता कहा जाता है। और ये जो शक्तिपुंज हैं आदिवासियों के, जो शक्तिपुंज हैं जिनको वो गांव में बसाते हैं, तो गांव में कौन कौन से देवी बसते हैं, एक तो सबसे पहले जिम्मेदारी, फिर खेती खार में खार बहारू, और जिम्मेदारी जो होती है वो यानी पूरे मनुष्यों के लिए होती है, गांव की सुरक्षा करने वाली देवी होती है, बीमारी आदि से सुरक्षा करने वाली देवी होती है, जानवरों की बीमारी से सुरक्षा करने वाली देवी होती है, और ये मवेशियों की सुरक्षा के लिए खड़का डांड़ वाली कहा जाता है, जिसे अन्य क्षेत्रों में भुकुर्रा भी कहा जाता है। उसी तरह पनघट में जलकन्या, और यानी वर्षा न हो तो उसके लिए भीमा देव या भीमा पेन जिसको कहा जाता है। उसके साथ साथ जनजीवन के लिए, जिसमें चीटी मकोड़े से लेकर हर जीव जंतु के लिए होती है तलुर मुत्ते के साथ बाजार स्थल में हटियारीन होती है। और बस्तर में ये देखा जाता है कि जैसे मौली माता है, तो मौली माता पूर्व के जो राजा थे, नागवंशी राजा थे, उनकी कुल देवी थी। तो कुल देवी होने के कारण उसे हर मैंने जो मुख्य मुख्य गांव थे उन गांव में मौली माता को स्थापित किया। मौली माता का नाम मणिकेश्वरी था, जिसे लोग मौली माता के नाम से जानते हैं। और उसके साथ
काकतीय वंश जब बस्तर में आया तो उन्होंने दंतेश्वरी की स्थापना की, और दंतेश्वरी भी प्रमुख प्रमुख गढ़ों में ही ने इसकी स्थापना की गई है। और ये सभी की पूजा आराधना का कार्य भूम गायता का होता है। और उसी के साथ एक और पेन होता है कडरेंगाल। कडरेंगाल जिसको ये कहा जाता है कि ये तलुर मुत्ते से संबंधित है, और यह गायता का मार्गदर्शक होता है, ये गायता को रास्ता बताने वाला मार्गदर्शक होता है। और शादी आदि में जो मुंडा डारा काटा जाता है, यह मुंडा डारा भी ये कडरेंगाल के नाम से ही काटा जाता है। और ये सभी पेन शक्तियों और माताओं के आशीर्वाद के साथ ही गायता जो है वो अपने कार्य को संपन्न करता है। कभी कभी अगर गायता से कोई गलती हो जाती है तो गायता की गलती की सजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, और यह तुरंत उसे स्वप्न द्वारा पता चल जाता है कि उसने क्या गलती की है। उसी के साथ साथ वह चेतावनी भी होती है कि उसके द्वारा क्या गलती किया जा रहा है। और गायता के द्वारा कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उसके लिए उपवास रखा जाता है, जिसको नोमना कहा जाता है। और ये सिर्फ गायता ही नहीं रखता, बल्कि सिरहा भी रखता है, गुनिया भी रखता है, और जितने प्रमुख पुजारी होते हैं ये भूम गायता के साथ साथ गोत्रदेव का या गोत्रपेन का जो गायता होता है वह भी, और जो पूजा या गोंगों से संबंधित जितने लोग होते हैं वो सारे इसमें सम्मिलित होते हैं, और सभी पूजा करते हैं या कहना चाहिए उपवास रखते हैं। और उपवास जब भी कोई पर्व होता है तो हर पर्व गायता के अनुमति के बगैर नहीं होता, और गायता जो होता है वह मैंने पेनों से अनुमति लेता है कि मैं ये कार्य करना चाहता हूँ, और मैंने इस गांव के सुख समृद्धि के लिए मैंने ये उपवास रखा है, इस उपवास को सफल बनाने का कार्य आपका है माता, और ये आप भी कर सकती हो, और मेरा कुछ नहीं है, और आप लोगों के सहयोग के बगैर मैं कोई भी अच्छे कार्य नहीं कर सकता या गांव की भलाई के लिए नहीं सोच सकता। तो इस तरह से गायता के द्वारा प्रार्थना की जाती है, और प्रार्थना करने के बाद ही शाम को वह भोजन ग्रहण करता है, तो वह घर में भोजन नहीं ग्रहण करता, बल्कि वो पुरुषों के द्वारा बाहर बना हुआ भोजन ग्रहण करता है। तो ये इस तरह गायता हर कार्य में बहुत सावधानी बरतता है, हर कार्य के लिए सावधानी बरतता है। और ये भी देखा जाता है कि जब गायता यानी जो भूम गायता होता है उसका चुनाव, जब भूम गायता की मृत्यु हो जाती है तब उसका चुनाव होता है, तो चुनाव जब होता है गायता की तो ये होता है कि उसके शुभ अशुभ विचार देखे जाते हैं, और जिम्मेदारी में आकर जिम्मेदारी में गांव के सभी लोग आते हैं, और जब अलग अलग रास्ते से आते हैं तो ये देखते हैं कि किस तरह का ये किया जा रहा है, कोई अशुभ घटना तो नहीं घटी, कोई जानवर रास्ता तो नहीं काटा, कोई खाली मटका को देखना या जानवर का रास्ता काटना आदि जो है, या उसी चिड़िया का रोना, ये सारा जो है अशुभ माना जाता है। और उसी के जगह भरा मटका जो है वो शुभ माना जाता है। उसी के साथ साथ
उसी चिड़िया का चहकना आदि शुभ माना जाता है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने के बाद वे सभी मिलकर उस व्यक्ति के नाम से जिसे वो धूम गायता बनाना चाहते हैं उससे उसके नाम से वो शिकार खेलने जाते हैं। और ये शिकार जो होता है वो आता है तो शिकार मिलने से ये समझा जाता है कि वो व्यक्ति गायता बनाने लायक है। और जमीन से संबंधित समस्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ के उपयोग से पहले गायता के द्वारा उसे पेनों पेन शक्तियों पर अर्पित किया जाता है। तलुर मुत्ते में और जिम्मेदारी में और बाकी पेनों में भी अर्पित किया जाता है। तो ये होता है कि जैसे सबसे पहले गांव में कोई फसल उगाना है तो फसल उगाने से पूर्व गायता के द्वारा ही पहले बोया जाता है। और जब फसल पक जाता है तैयार हो जाता है तो ये पंडुम बनाकर पहले फसल काटने की शुरुआत गायता के द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार धरती के सभी कष्टों को गायता द्वारा दूर किया जाता है। और धरती से संबंधित ये कहा जाता है कि जो गायता होता है वो धरती से संबंधित समस्त रहस्यों को जानता है। और वह धरती माता से या कहें तलुर मुत्ते और जिम्मेदारी से वो गांव की भलाई के लिए गांव के सुख शांति के लिए गांव की उन्नति के लिए वह बहुत कुछ मांगता रहता है। और ये इस तरह की का मांगना जो है वो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया से अलग है या कहना चाहिए सामान्य प्रक्रिया के विपरीत वह मांगता है। और क्योंकि वह प्रकृति के रहस्यों को के चक्रों को वह समझ चुका होता है उन रहस्यों में घुस चुका होता है तो ऐसे स्थिति में धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है जीवन क्षमता है वह खत्म होने लगती है। और जो माटी पुजारी होता है वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहता वह धरती माता उसे अपने में समा लेती है ऐसा माना जाता है। लेकिन गायता के पास इतना पावर होता है कि वो अपने जो क्या करनी चाहिए मृत्यु को वह दूसरे के पास स्थानांतरित कर सकता है। ये इतनी क्षमता गायता के पास होती है। और ये बहुत सभी पेनों का पावर उसके पास होता है और सभी पेनों के रहस्यों को वह जानता है। अधिक हस्तक्षेप करने के कारण ही उसकी जीवन शक्ति समाप्त होती है ऐसा माना जाता है। और सिरहा के बारे में मैंने बताया कि वह झाड़ फूँक करने वाला ओझा या कहना चाहिए जिसके ऊपर पेन शक्ति आरूढ़ होती है वह सिरहा होता है। और ये जो सिरहा होता है वह उसको वड्डे भी कहते हैं। और ये जो वड्डे होता है नहीं किसी व्यक्ति की कोई परेशानी है या किसी व्यक्ति के द्वारा या गांव में कोई विपत्ति आ गई है तो ऐसे स्थिति में पेन वड्डे या कहना चाहिए सिरहा के ऊपर पेन शक्ति को आरूढ़ किया जाता है। और पेन शक्ति आरूढ़ होने के बाद उसके कष्टों को बताती है कि ये कष्ट उसको
मिल रहे हैं तो किस कारण से मिल रहे हैं और इसका समाधान कैसे हो सकता है, ये जानकारी सिरहा के द्वारा बताया जाता है। सिरहा जब देवारूढ़ की अवस्था में होता है तो उसे अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं होता और ज्ञान नहीं होने के कारण वह व्यक्ति जब सामान्य अवस्था में आता है तब उसे ज्ञान होता है कि उसने क्या क्या कहा। जब उसके ऊपर देवारूढ़ होता है तब वो इन सारी चीज़ों से वह अनभिज्ञ रहता है। और एक होता है बुनिया, यानी सिरहा को आह्वानित करने के लिए गुनिया के द्वारा क्या प्रस्तुत गुनिया उसको सिरहा को प्रस्तुत करता है और उसके द्वारा प्रश्न किया जाता है। दोनों ही आध्यात्मिक लोक में चले जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बातों के, यानी गुनिया जो है वो सांसारिक स्थिति में रहते हुए भी आध्यात्मिक लोक में चला जाता है और सिरहा आध्यात्मिक लोक में रहकर ने उनकी समस्याओं का समाधान करता है और ये इसी ने धरातल में रहकर वो उनसे प्रश्न पूछता है और उन समस्याओं का समाधान करने की का प्रयास करता है। अब ये देखें कि सिरहा गुनिया गायता और उसमें एक है पेन गायता जो होता है वो भूम गायता को क्या कहा जाता है, कडरी गायता भी कहा जाता है। तो ये कडरी गायता से पेन गायता अलग होता है, ये किसी गोत्र देवता के पेन का पुजारी होता है या पेन शक्ति का गायता होता है। तो वह भी आध्यात्मिक लोक में विचरण करने वाला व्यक्ति होता है और उसके पास भी उस पेन जिस पेन का वो पुजारी है उससे संबंधित समस्त जानकारियाँ उसे होती हैं और ये जो पेन शक्तियाँ हैं उन्हें सपने के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से हो बहुत सारी जानकारियाँ उनको देते रहते हैं। और ये जो शक्तियाँ हैं ये पेन गायता जो होता है ये मानवेतर रहस्यों को जानता है। उसके साथ साथ इस गायता की जब मृत्यु हो जाती है तो तुरंत गायता नहीं चुना जाता बल्कि इस गायता के लिए भी शिकार खेलने का कार्य होता है और उसके साथ साथ ये भी होता है कि जैसे शिकार खेलने गए तो शिकार खेलने गए और उसे नहीं मिला तो उपवास रहकर शिकार खेलने जाते हैं और उसके बाद भी उसे उन्हें कोई जानवर नहीं मिला तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन शिकार खेला जाता है और शिकार खेलने के बाद भी अगर नहीं मिला तो उसे एक वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया जाता है कि अब वो अगले वर्ष नया गायता चुना जाएगा। अथवा ये होता है कि भूमकाल द्वारा या भूमकाल की सहमति से पेन जो होता है वह अपने लिए गायता स्वयं चुनता है और इसमें भी अशुभ शुभ अशुभ बहुत देखा जाता है। जैसे शिकार खेलने गए और शिकार में जानवर पीछे की ओर रहा है अशुभ संकेत है। उसके साथ साथ यानी कई जो चीज़ें होती हैं जैसे सांप का रास्ता काटना या जानवरों का रास्ता काटना यानी तो ये इस तरह की स्थिति हो जाती है तब भी गायता को चुनने में दिक्कत आती है। उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है एक अगर शिकार खेलने गए हैं और गांव में आग लग गई या किसी को कुत्ता काट दिया या सांप काट दिया या इस तरह की कोई यानी दुर्घटना हो गई तो ऐसे हालात में भी ये गायता बनाने का कार्य को स्थगित कर दिया जाता है। अब ये देखें कि ये जो गायता बनाए जाते हैं गायता होते हैं वो
उनके लिए बहुत सारी वर्जनाएं होती हैं, गायता, पुजारी, सिरहा जो होते हैं, चाहे पेन गायता हो, चाहे भूम गायता हो, चाहे सिरहा हो, चाहे पंजियार, जो पंचियार उसको कहते हैं, जिसको जो चावल चावल गेहूं से बिनती देकर ने किसी का भविष्य बताता है, उसके पंचियार कहते हैं। और यही व्यक्ति ने सिरहा का सहायक व्यक्ति होता है। हम देखते हैं कि ये जिमीदारिन का सिरहा हो या पेन पुजारी का सिरहा हो, उसको बहुत सारे रस्मों को करना होता है। तो इन कर्म रस्मों के लिए वो उपवास रखता है। तो उपवास में, उपवास जिसको नोमना कहा जाता है, तो वह किसी के घर का पानी भी नहीं पिएगा, और चाय भी घर का पानी नहीं पिएगा, ना चाय पिएगा। उसके साथ साथ महिलाओं के हाथ से वह तंबाकू भी नहीं लेता, न उनके हाथ से पानी ग्रहण करता है। और जब तक उनका जो पेन वाला या जो त्यौहार वाला जो क्रियाक्रम, जो धार्मिक क्रियाक्रम चलता है, तो उतने दिनों तक वह घर का भोजन नहीं करता, बल्कि हर घर से एक एक मुट्ठी चावल जमा किया जाता है। और ये चावल जो है वो पुरुष वर्ग ही घर के बाहर बनाते हैं, जिम्मेदारी गुड़ी में बनाते हैं, और वही भोजन उनको करना पड़ता है, और अपनी पत्नी से गायता को दूर रहना पड़ता है। तो उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये जो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं, वो गर्भवती स्त्री और रजस्वला स्त्री से वो हमेशा ही, या ये औरतें बच के रहती हैं इनसे। और ये भी देखा जाता है कि घर में जब वह सामान्य अवस्था में भी होता है, तो सबसे पहला भोजन जो होता है वही गायता को दिया जाता है, या गायता, सिरहा, पुजारी जो भी होते हैं उनको दिया जाता है। और इसके साथ यदि कोई जन्म संस्कार है, तो जन्म संस्कार में जो शराब का तर्पण पितरों को किया जाता है, वो बचा हुआ जो तर्पण है वह ये व्यक्ति ग्रहण नहीं करती, यानी गायता ग्रहण नहीं करता। और उसी के साथ जो नारियल प्रसाद वगैरह भी जो होते हैं, वो भी ग्रहण नहीं किया जाता। उसके साथ साथ जब उसके परिवार का कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो भले उसके माता पिता भी हों, तो भी वह व्यक्ति मुंडन नहीं कराएगा, यानी गायता को मुंडन कराना वर्जित होता है। और लकांज का जो प्रसाद होता है, लकांज वाला प्रसाद भी ये जो गायता पुजारी जो होते हैं वो ग्रहण नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ये ज़्यादातर सौम्य व्यक्ति होते हैं, और किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता, लेकिन किसी कारणवश उसकी किसी से लड़ाई हो गई, या दूसरे व्यक्ति के आपस में लड़ाई कर लिए हैं, और लड़ाई करने वाला व्यक्ति यदि उसके चरण छू ले या उसकी कसम खा ले कि मैं ये ऐसा नहीं किया हूँ, तो ऐसे गांव में बाधा आने की स्थिति होती है। और कई बार ये होता है कि अनावश्यक गाली गलौज, मारपीट इनके द्वारा नहीं, इनके साथ नहीं किया जाता। उसके साथ शादी ब्याह में गुलाल या हल्दी आदि जो होते हैं, वो हल्दी जो है वो गायता पुजारी के ऊपर नहीं डाला जाता है, जिससे इन वर्जनाओं का यदि उल्लंघन करता है, तो इसे समाज में या गांव में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार अगर कोई व्यक्ति रंजिशवश हो या दुर्भावनावश
किसी गायता पुजारी को गाली गलौज दे देता है या कोई अनावश्यक लांछन लगा देता है कि ये व्यक्ति यानी ये गायता ये इस तरह का व्यक्ति है इस तरह का कुछ। तो ऐसे हालात में यानी वो जिसने लांछन लगाया है उस व्यक्ति के साथ बुरा होने की स्थिति भी हो सकती है, उसका कुल नाश भी हो सकता है, क्योंकि यानी गांव के जितने पेन शक्तियाँ होती हैं उसकी सहायता यानी उस गायता की सहायता करते हैं। तो ऐसे में वो जिस जो लांछन लगाया है उस व्यक्ति को गांव छोड़कर भागने की स्थिति भी आ सकती है या उसके कुल नाश होने की स्थिति भी आ सकती है। तो इस तरह से देवी विधानों को संपन्न किया जाता है। और कई बार अगर पति पत्नी लड़ाई पत्नी उसके साथ गायता के साथ तो गांव में आठ पड़ जाता है, आठ का मतलब बाधा पड़ जाती है। और ये बाधा जो है वो ऐसे ही दूर नहीं होती, फिर मैंने जब तक या तो पद छोड़ना जब तक उस मामले की सुनवाई न हो जाए या पेन शक्ति तब तक वह गायता के पद से विमुख हो जाता है। और इसके लिए उसे सभी पूरे गांव वालों के बीच पेन शक्तियों से माफ़ी मांगना पड़ता है। ये भी होता कि उसका परिवार दोष निवारण कर उसका शुद्धि कर है, तब फिर से वह पुजारी का काम या कहना चाहिए गायता का काम फिर से करता है। तो इस तरह ये जो यानी गांव की व्यवस्था है, गांव की जो पेन शक्तियाँ हैं वो यानी पूरे गांव को चलाते हैं और इनके ऊपर ही यानी संपूर्ण व्यवस्था का भार होता है। उसके साथ ज़्यादातर क्या यहाँ हर गांव जो है यहाँ का जो माटी पुजारी होगा वह आदिवासी ही है, दूसरे जाति का व्यक्ति कोई माटी पुजारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे लोग ये जो आदिवासी हैं वही लोग इस गांव यानी इस धरती को इस गांव को बसाए, गांव बसाने वाला जो पहला व्यक्ति है वो आदिवासी ही है। और कई कुछ गांव ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर गांव में दूसरा माटी पुजारी है, तो दूसरा माटी पुजारी है तो वो क्या हो जाता है कि जब किसी कारणवश पूर्व काल में जब कोई माटी पुजारी बाहर चला जाता था या कहना चाहिए माटी पुजारी नहीं यानी पूरे गांव वाले किसी दुर्घटनावश या गांव में यानी पशु आतंक वातंक होने के कारण भी कई गांव खाली कर दिए गए और दूसरे गांव में उस जगह को छोड़ फला नहीं तो इसलिए वो उस गांव को छोड़ दिए, लेकिन वो गांव की सीमा और वो जगह स्थापित था तो दूसरे लोग आकर बसे उस गांव में, तो उन लोगों को ये आदिवासियों ने दिया उस गांव को दिया, तब दूसरा व्यक्ति माटी पुजारी हो सका। वरना चाहे जितने प्रकार भी के भी गांव बसे हों वो सारे गांव के जो माटी पुजारी हैं वो सारे आदिवासी ही हैं। अब ये देखें कि गांव में एक राजनीतिक कार्य करने के लिए भी यानी जो प्रशासन और गांव दोनों को जोड़ने वाला एक कड़ी होता है जिसको कोटवार कहा जाता है। और ये कोटवार गांव के समस्त सरकारी कार्यों को सामाजिक आर्थिक धार्मिक यानी समस्त कार्यों का संचालन यानी सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ज़्यादातर ये देखते हैं कि ये जो यानी कोटवार होता है वो गाड़ा जाति का होता है।
बस्तर के इतनी सारी पेन शक्तियाँ हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ जो नलवंशी राजा थे, चाहे काकती वंशी राजा थे, और उसके पूर्व भी बहुत से राजा हुए, यानी अलग अलग जो आदिवासी नहीं थे, उन्होंने कई जगहों में ये देखा गया है कि वो लोग जो हैं कहीं बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हो रही है, बारसूर में शिवलिंग प्राप्त हुआ है, मामा भांचा का मंदिर, और उसके साथ गणेश की मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, और कहीं विष्णु मंदिर, तो कहीं और कुछ मंदिर, बहुत सारे मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। लेकिन यहाँ का जो मूल निवासी है, चाहे ST SC OBC किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, वह मूर्ति पूजा नहीं करता। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। अब ये देखें, एक गांव में जो लोग रहते हैं, यहाँ पूर्व काल से ये इस तरह की व्यवस्था रही है कि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की व्यवस्था, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की व्यवस्था। तो बहुत सी जातियाँ जो यहाँ के मूल निवासी हैं, वो वर्ग भी यहाँ पर निवास करता है। और मैंने ये देखा कि जितनी भी जातियाँ हैं, वो सारे जातियाँ पेन शक्तियों के, पेन आदिवासी का है, लेकिन उसको कार्य कौन कर रहा है, सारी जातियाँ करती हैं मिलकर। सारी जातियाँ माने जैसे खलार के यहाँ से, खलार एक जाति होती है जो शराब बनाने का कार्य करती है, और ये शराब बनाने का कार्य करने के साथ, यानी पितरों को जो तर्पण करना है, वो किससे किया जाएगा, शराब, या यानी ये कलार घर से आएगा। उसी की तरह तेली, तेली का कार्य है तेल निकालना। ज़्यादातर जो तेल होता था वो टोरे का तेल होता था, इसलिए ये कहा जाता है कि ये महुआ जो पेड़ है, वो गोणों की जीवनदायिनी है, आदिवासियों की जीवनदायिनी है, और कलार जो है वो बड़ा भाई है, और तेली छोटा भाई, एक ही चीज़ से दोनों का व्यवसाय चलता है। यानी कलार उसके फूल से अपना व्यवसाय करता है, और तेली अपने अपना व्यवसाय उसके फल से करता है। तो तेली के यहाँ से तेल लाकर वह अपने पेन पुरखा में दिया जलाता है। उसके साथ लोहार, लोहार जो है, लोहार जाति, ये वैसे आदिकाल में कृषकों के औजार बनाने का कार्य करता था। उसी के साथ वह पेन शक्तियों के लिए त्रिशूल बनाना, काटा कुर्सी, और लामन दिया, और बहुत से यानी मूर्तियां बनाने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है, लोहार के द्वारा किया जाता है। उसी के साथ साथ आंगाओं में जो उनकी आँख बनाई जाती है, वो आंगा जो है वो उसमें आँख बनाने का, खिला ठोकने का कार्य भी लोहार के द्वारा किया जाता है। और कुम्हार, कुम्हार यानी आदिकाल से मिट्टी के बर्तन बनाता आ रहा है, जो हमारी यानी हमारे पूर्वजों की ज़रूरतों को, भोजन बनाने की ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। उसी के साथ साथ कुम्हारों ने आदिवासियों के पेन शक्तियों को भी बनाया, जैसे कहीं हाथी के रूप में, कहीं घोड़े के रूप में, तो करसा दिया, ये सारे चीज़ों को बनाने का कार्य कुम्हार करता है। और उसी के साथ घसिया, घसिया जिसको हम यहाँ बस्तर संभाग में घड़वा कहते हैं, और कोंडा गांव में ये बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि घड़वा कला पूरा विश्व प्रसिद्ध है। कोंडा गांव में
हर प्रकार के शिल्प शिल्पी यहाँ पर हैं। और ये जो घसिया जाती है ये कैसे बने, ये देवताओं के लिए या पेन शक्तियों के लिए ये मूर्तियाँ बनाने लगे। ये जो पेन शक्तियों को जैसे उनकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती थी तो उन्हें वो मूर्तियाँ पेन शक्तियों में चढ़ाया जाता था। तो पेन शक्तियों में चढ़ाने के कारण ये घसिया जाति उसके तुरही बनाने का कार्य करता है, उनसे घोड़ा घोड़ा पेन माताओं की मूर्तियाँ बनाता है, घुंघरू बनाता है और बहुत सारी चीज़ें भी घड़बा के द्वारा बनाया जाता है यानी पेन शक्ति के लिए। उसी के साथ गाड़ा या महारा यानी बस्तर में गाड़ा और महारा दोनों ही बाजा बजाने का कार्य करते हैं और ये गाड़ा जाति के लोग होते हैं। और बिना गाड़ा बाजा के चाहे माताएं हो या ये पेन शक्ति हो दोनों ही नृत्य नहीं करते हैं। ये जो मोहरिया होता है यानी सहनाई वादक जो होता है वो उनको उसी के पाड़ में या कहना चाहिए उसी के धुन में जब बजाता है तब उस देव खुश होकर नृत्य करता है। और बढ़ई जो होता है वह पीढ़ा बनाने का कार्य करता है, कुर्सी देव कुर्सी बनाता है, देव झूला बनाता है। यानी जो जिम्मेदारी माता जिन्हें चिखला माता भी कहा जाता है तो जिम्मेदारी माता का जो झूला गड़ा होता है उसमें खीला लगा हुआ झूला होता है तो उसको बनाने का कार्य भी बढ़ाई करता है। और कोष्टा जाति कपड़ा बुनने का कार्य करता है। और ये कोष्टा जो होते हैं वो देव से संबंधित जो ध्वज बनाए जाते हैं ये कोष्टा के द्वारा बुने गए ध्वज ही काम आते हैं। और ये दुकान से खरीदा हुआ कपड़े का उपयोग प्रायः नहीं किया जाता ध्वज बनाने के लिए। और गोत्र देवता का जो ध्वज होता है वह एक पालों का होता है और जिसमें यानी उसके प्रतीक चिन्ह होते हैं। ज़्यादातर बस्तर के जो देवों के प्रतीक चिन्ह हैं वो यानी ये जो ध्वज होते हैं वो महाराष्ट्र के मारकंडा से लाया जाता है और वहाँ स्पेशली उसमें चित्र भी बना जाता है कितने गोत्र के में कितने भाई हैं उनका टोटम चिन्ह क्या है वो सारा ध्वज को देखकर ही पता चल जाता है। और है बंजारा, तो ये बंजारा जो जाति है वो बस्तर में एक व्यापारी के रूप में आए और व्यापारी के रूप में आकर वे यहीं के हो गए और इनका भी देव के प्रति पेन शक्तियों के प्रति बहुत आस्था है। उनके द्वारा यानी इनके वस्त्र तैयार किए जाते हैं, जैसे माताओं के वस्त्र जो है उसमें कौड़ी गुथना, कांच बनाना, कांच डालना, कौड़ी गुथना, वो सारे उसको सजाने का कार्य माताओं के लहंगे और चोली को सजाने का कार्य बंजारा जाति के द्वारा किया जाता है। उसके साथ साथ गोडिंदेव जिसको पेंड्रामणिम भी कहा जाता है उसका गुप्पा उनका प्रतीक चिन्ह है जो बांस की टोकनी होती है उसको भी इसके कांच और कौड़ियों से सजाया जाता है। तो यह कार्य भी बंजारा जाति के द्वारा ही किया जाता है। राउत एक ऐसा जाति है जो वैसे गाय चराने का कार्य करता है लेकिन पेन शक्ति में इसका ये योगदान है कि वह व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा लाया गया पानी मैंने इसमें पेन शक्तियों को नहलाया जाता है। और सोनार यानी पेन शक्तियों के जैसे आंगा डांग डोली इसके लिए जो
वह गहने बनाए जाते हैं, वो सारे गहने ज़्यादातर गाँव में ही गहने पहनाए जाते हैं। तो ये गहने चाहे पट्टा के रूप में हो चाहे और जो भी है, वो सारे गहने सोनार के द्वारा बनाया जाता है और आंगा का श्रृंगार भी सोनार के द्वारा ही किया जाता है। और है मरार। मरार हर पर्व में फूल माला पहनाने का कार्य मरार के द्वारा ही किया जाता है, यानी माली जो है वो पेन शक्तियों के लिए माला की व्यवस्था करेगा, फूल की व्यवस्था करेगा। और एक जाति है पठारी। पठारी जो है वह देवताओं का गुणगान करने वाला व्यक्ति होता है। और ये गायता पुजारी किस श्रेणी में रहने वाला है, लेकिन यह इसके सारे कार्य गोत्र यानी इस सब कुछ गौण जैसा ही है। और यह व्यक्ति देवता का पुजारी माना जाता है, या कहना चाहिए उसकी स्तुति करने वाला, समस्त हर जगह कहीं कहीं पर मैंने दक्षिण बस्तर में देखा कि वहाँ पर एक डालगुंडा यानी वंशावली या देवताओं की वंशावली थी, तो उसको उन्होंने डालगुंडा को रखा और उसके बाद उस डालगुंडा के अनुसार वो गाना गा के पूरे वंश का इतिहास उन्होंने बताया। तो ये जो पठारी जो होते हैं ये वो यानी वंश के गुणगान करता हो ना भी हो, लेकिन ये पठारी सब कुछ जानता है। अब देखें हम गांव के लोगों की व्यवस्था थी। अब देखें ग्राम देवता। ग्राम देवता में होती है तलुर मुत्ते। तलुर मुत्ते को गांव बाहर स्थापित किया जाता है। और तलुर मुत्ते जो है वो तामसिक प्रवृत्ति की देवी है और यह पूरे गांव की सुरक्षा करने वाली माता शक्ति मानी जाती है। ये कहा जाता है कि जिस तरह एक मुर्गी जो है बच्चे वाली, जो मुर्गी तलुर मुत्ते का मतलब होता है बच्चे वाली माँ, तो एक मुर्गी जैसे बच्चे वाली होती है, तो कोई भी विपत्ति आ जाए तो वो अपने पंख को समेट लेती है, सारे बच्चों को समेट लेती है और छुपा देती है। उसी तरह मुत्ते है वो गांव में विपत्ति आती है तो वो सुरक्षा एक मुर्गी की तरह करती है, वो सारी विपत्ति से बचाने का कार्य करती है। वह सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, सारे जीव जंतु वाली देवी के रूप में होता है। और की जब आराधना की जाती है तो मैंने होम या कहना चाहिए ये साल का गोंद या जिसको धूप कहा जाता है, धूप का हवन दिया जाता है और चावल चढ़ाया जाता है, लेकिन वो चावल कुटा हुआ, मशीन का कुटा हुआ या हाथ का कुटा, पुरुषों द्वारा पत्थर में या लकड़ी से रगड़कर या हाथ से छीलकर उस चावल को तैयार किया जाता है, वह चावल उसको तैयार दिया जाता है। ज़्यादा ये जो माता है उसको हेसांग में, मरका पंडुम में, विजा पंडुम अमूस या पुनांग में के अवसर पर हम याद करते हैं, यानी इसकी गोंगो किया जाता है। उसके बाद है जिम्मेदारी माता। जिम्मेदारी जिसको छिकला माता भी कहा है, छिकला माता कीचड़ को छिकला कहा जाता है। धरती तो
का आगमन, उसको शीतला माता का नाम दे दिया। और ये शीतला माता जो होती है या शीतला माता जो होती है वो बीमारियों से सुरक्षा करने वाली माता होती है और जिम्मेदारी माता को बड़ी माता कहा जाता है। जो यानी बड़ी माता जो चेचक जो होता है उसको बड़ी माता कहा जाता है, उसको बूढ़ी माता कहा जाता है, छोटी माता को कसलाई माता, हैजा को मरही माता और मलेरिया को हुल्की माता और पशुओं की बीमारी को चौरंगी माता कहा जाता है। और इसके उपचार के लिए दीपक जलाकर और विशिष्ट तरह की पूजा की जाती है। और ये जो जिम्मेदारी जब कोई कोई माता या जो होता है किसी को माता आ जाता है तो वो उसे किसी प्रकार का एलोपैथी दवाई ववाई नहीं दी है और उसके नीम पत्ती से जो गायता पुजारी जो होता है यानी जिम्मेदारी का पुजारी होता है वो उसके चरण पखारता है और उसको शांत होने की प्रार्थना करता है। और जब व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है वह माता से मनोती मांगता है या करार करता है कि वो, तो जब तो पहुंचाने में वह चीज़ अर्पित करता है। ये भी कहा जाता है कि हम के जो देवता ही हम पूजा नहीं करते बल्कि अनायास गांव में पदार्पण कर चुके हैं। रीढ़ी सिंगस ये यानी उल्टी दस्त या कहना चाहिए सिंगस माता कहा जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं उन बीमारियों को गांव से बाहर निकालने का कार्य भी किया जाता है। ये पहुंचानी में ही ये इस तरह के कार्य होते हैं। पहुंचाने से पहले बाहर निकालने का कार्य किया जाता है, उसको उसके समस्त भोग के साथ उनको। और ये इस तरह के उपचार के लिए पहुंचानी मनाया जाता है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ एक कडरगाल पेन होता है जो गायता का प्रदर्शक होता है और गायता के हर कार्य में उसकी सहायता करता है। और ये जो कडरंगाल है वो तलुर मुत्ते से संबंधित होता है और तलुर मुत्ते जैसे गांव की सेवा करती है, गांव को सुरक्षित करती है, वैसे ही तलुर मुत्ते कडरंगाल जो है वो गायता को पथ प्रदर्शन करता है कि किस चीज़ के लिए उसे किस तरह का कार्य करना होगा और किस तरह से वह गांव की समस्या का समाधान कर सकता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो मौली माता है, मौली जो नागवंशी जो राजा थे उनकी कुल देवी थी, जिसे यहाँ के जो गढ़ थे उन जगहों में इसकी स्थापना की। गढ़ माने जो आदिवासी जो शुरुआत में पहले आए और उन्होंने एक गढ़ किला का निर्माण किया, तो गढ़ वो ज़्यादातर हमारे पहाड़ों में पहले ज़माने में रहा करते थे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। तो सुरक्षित रखने के ये जो गढ़ और वहाँ पर बसाए, अपने आप को वहाँ स्थापित किए, स्थापित करने के बाद उन्होंने माता को जो मौली माता है उसे उन्होंने स्थापित किया। अब भले गांव बिछड़ भी गए बिखर भी गए होंगे लेकिन वो जो मौली माता की स्थापना जहाँ की गई थी वहीं वह माता स्थापित है, जिसकी पूजा
विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है, और ये जो पूजा भी सभी लोग नहीं करते, इसमें सभी लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। इस गोंगों में इसमें सिर्फ विवाहित पुरुष ही पूजा करते हैं, महिलाओं का उस ओर जाना वर्जित होता है, कुंवारे लोगों का भी जाना वर्जित होता है। यह कभी कभी कई सालों में ये विशिष्ट पूजा को किया जाता है। और ये जो देवी है यह तीव्र प्रकृति की तामसिक देवी मानी जाती है, और कई गांव में यह हटियारीन के रूप में भी मानी जाती है। ये जिम्मेदारीन जो गुड़ी होता है, जिम्मेदारीन गुड़ी, उस गुड़ी के सामने में एक खूटा के रूप में उसको स्थापित किया गया है। हाँ, एक बात और बताऊँ आप लोगों को, जिम्मेदारीन की कोई मूर्ति नहीं होती है, बल्कि एक प्रतीक के रूप में पत्थर को रखा जाता है, और उसे ही जिम्मेदारी माता के रूप में स्थापित किया गया है सारे गांव में। अभी बड़े जो शहरी प्रभाव जहां पर पड़ा हुआ है, वहां पर उसे मूर्ति के रूप में, यानी पत्थर की मूर्ति के रूप में स्थापित किया जाने लगा है। लेकिन मावली की जो है वह मूर्ति नहीं है, बल्कि वो ये इसी तरह की है। गायता के कुल में जब लोग मैंने बसे थे, तब उनकी सुरक्षा के लिए जो किलेबंदी की गई थी, तो उस किलेबंदी के बाहर मौली माता को स्थापित किया गया था। और एक पेन है भीमाल पेन, और भीमाल पेन को यानी ऐसा नहीं है, ये सारी जो यानी देवियां हैं, देवी और पेन शक्तियां हैं, वो सिर्फ आदिवासी ही नहीं मानता, बल्कि गांव का हर व्यक्ति उसको मानता है, उसकी आराधना करता है। भीमाल पेन जब भी अकाल या जब पानी नहीं गिरता, तो ऐसे हालात में इस पेन की आराधना की जाती है। और ये कहा जाता है कि भीमा भीमिन, यानी भीमा पेन और उसकी पत्नी भीमिन, दोनों का विवाह रचाया जाए, दोनों को प्रतिमा बना के विवाह रचाया जाएगा तो पानी गिरेगा, ये इस तरह की। और यानी इस क्षेत्र में एक मंडप बनाया जाता है, बिना छत वाला मंडप, छोटा सा लकड़ी का बना हुआ होता है, और उसके बीच में एक पत्थर के रूप में भीमाल पेन की स्थापना की जाती है। और ये भीमाल पेन गांव के सीमावर्ती इलाके में रखा जाता है इसको। और यह जो पेन है, जब इसकी आराधना की जाती है, जब पानी नहीं गिरता है तब की जाती है, तो ये सब उसके गोंगों की सारी वस्तुएं गांव, पूरे गांव के लोग लेकर जाते हैं, और गोंगो करने के बाद उसके ऊपर एक बाल्टी गोबर घोल के डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको ये कहा जाता है कि देखो, हम आपको यदि शर्म आएगी तो आप अपने आप को धोगी। और ये देखा गया है प्रायः कि वो लोग अपने घर तक वापस आते पानी गिरने लगता है, और ये इसका इन शक्तियों, ये पेन शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली हैं, और इनके द्वारा ये इस तरह का किया जाता है। कहीं पर ये खूटा के रूप में है, तो कहीं पत्थर के रूप में, तो लेकिन सभी गांव में भीमाल पेन की स्थापना की जाती है। उसी के साथ गांव में जल कन्याओं का की भी पूजा की जाती है। तो ये जल कन्या जो है नदी, तालाब या झील जो हैं, उन स्थानों पर
जलकन्याओं का वास माना जाता है, उस स्थानों को पूजा जाता है। और जब भी कोई तालाब खोदना हो या मछली पकड़ना हो तो जलकन्याओं की पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जो सल्फी का वृक्ष होता है उसे भी जलकन्या माना जाता है। और जलकन्याओं, चूँकि सल्फी को जलकन्या माना जाता है, तो उसको जब काटा जाता है सल्फी को, तो उसके पहले उसकी गोंगों की जाती है, और उस गोंगों में जो भी उसके से संबंधित चीज़ें अर्पित करना हो वो अर्पित करने के बाद ही वो काट सकता है। और काटने वाला कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि काटेगा तो वो सल्फी आना बंद हो जाएगा। तो इस तरह इसमें भी पेन शक्तियों का वास, और उसके साथ वो जो पुजारी जो गायता होता है उससे जब सल्फी काटना होता है तो वो व्यक्ति ये पता लगाता है कि ये जो सल्फी का पेड़ है वो किस स्थान से लाया गया और वहाँ पर कौन सी जलकन्याएँ हैं, तो उन जलकन्याओं के साथ वो संबंध मिलाता है और मिलाने जल स्रोत को का मिलान करता है, तब वो सल्फी के पेड़ से सल्फी आना चालू होता है। उसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जैसे जलकन्याओं को हल्दी लगना या गंदगी पसंद नहीं होती, ये कहा जाता है। जलकन्याओं का स्थान को साफ रखा जाता है, लेकिन विवाह के अवसर पर बहुत हल्दी खेला जाता है और दुल्हा दुल्हन को भी हल्दी लगाया जाता है। उनको जो पहनाया जाने वाला छींद का मोर जो कहा जाता है, छींद का मोर, वो मोर भी, मोर में भी हल्दी लगा हुआ है, उसके कपड़ों में भी हल्दी लगता है। लोग और लोग भी, दुल्हा दुल्हन के अलावा और लोग भी जो हैं वो लोग भी हल्दी खेलते हैं और नहाते हैं, नदी या तालाब में ही नहाते हैं, जल स्रोत में ही नहाते हैं। तो उसके पहले, विवाह होने से पहले गायता के द्वारा जलकन्याओं की पूजा की जाती है। और जलकन्याओं की पूजा के पश्चात वो ये क्या कर उनसे माफ़ी मांग लेता है कि जो भी गलती होगी वो उसके लिए आप माफ़ी करना। और इसी कारण है कि जब दूल्हा दुल्हन बने होते हैं या शादी के समय, पूर्व काल में वाहन तो हुआ नहीं करते थे, लोग पैदल ही जाया करते थे, तो नदियों में दूल्हा दुल्हन को गोद में उठाकर नदी पार कराया जाता था। और यदि जूते बनाने वाले चमड़े, जो चमड़े छीले जाते थे, चमड़े को भी भिगाने के लिए भी पानी में चमड़ा भिगाया जाता है, तो पानी में चमड़ा भिगाने से पानी अशुद्ध होता है, तो उसके लिए भी चमड़ा भिगाने वाला पहले उसको क्षमा याचना करता है और उसे प्रार्थना करता है कि मुझे इसके लिए क्षमा कर दो, मेरी मजबूरी है, मैं इस तरह के कार्य कर रहा हूँ इस तरह। और उसके लिए वह चावल, चूड़ी, सिंदूर और चूड़ी फुंदरी जिसको कहा जाता है, और मुर्गी आदि का सेवा पूजा देकर उसे प्रार्थना करता है। उसके बाद है रावेन, सीमा में रावेन होते हैं, यानी सीमा के जो जिसको राव भी कहा जाता है या रावेन भी कहा जाता है, ये कहा इनकी जो पूजा होती है वह बिरदुड़ यानी माटी तिहार में और चरु दो अवसर पर इनकी पूजा की जाती है। ये जो होते हैं ये सीमा रक्षक देव होते हैं, यानी गांव की जितनी सीमा होती है उसके चारों दिशाओं में इन पेनों का वास होता है और इन पेन को स्थापित किया जाता है। ये भी वो गायता के पूर्वज के कुल के पेन हैं जिनको राव के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये कहा जाता है कि सीमा में गांव का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विभिन्न क्षेत्र में उपमाटी होती है और ये उपमाटी पेन
चरों में अलग अलग माटी पेन को, उप माटी पेन यानी सीमा क्षेत्र के जो पेन होते हैं उन माटी पेनों की पूजा की जाती है। तो इन्हीं जो उप माटी पेन जो होते हैं उन्हें ही रावेन कहा जाता है। और एक पेन होता है भैंसासुर। भैंसासुर जो होता है वो गांव में एक ऐसा स्थान होता है जहां पानी जल स्रोत जिसको गांव का जल स्रोत कहा जाता है वहां यानी गर्मी हो और या कितने भी यानी सारे नदी तालाब सूख भी जाएं लेकिन उस स्थान में पानी का जल स्रोत रहता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो जानवर हैं पूरे गांव के वो उसी स्थान पर जाते हैं और वहीं डूबे रहते हैं। तो ये भैंसासुर का स्थान कहा जाता है। और एक होता है पात। ये जो पात जो होता है वो गायता का प्रतीक चिन्ह होता है यानी गायता के पूर्वजों की धरोहर। गायता को उसके पूर्वजों के द्वारा वो चीज़ मिला और ये जो पात होता है वो गायता का पथ प्रदर्शक होता है। गायता का पथ प्रदर्शक होता है। और एक होता है भूमियार। भूमियार मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जिस व्यक्ति ने उस गांव को का खुटा बूटा या कहना चाहिए जंगल काटकर उस गांव को बसाया, उस गांव को बसाने वाले जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जिस स्थान पर उसे दफन किया जाता है उसके यानी कुल खानदान को दफन किया जाता है वह स्थान भूमियार कहलाता है। और ये जो भूमियार यानी जब गांव की यानी कि किसी भी पर्व में पूजा की जाती है तो इस भूमियार की भी पूजा की जाती है। और ये भूमियार के प्रतीक के रूप में एक टंगिया होता है। भूमियार का प्रतीक चिन्ह टंगिया होता है। जिम्मेदारी के साथ ही रहता है टंगिया, इसलिए कि उसी टंगिया से उन्होंने इस गांव को बसाया, काट कर जंगल को काट कर उसने इस गांव को बसाया था और इसमें तोरण बांधा था। इस गांव यानी तोरण बांधना मानी उस गांव का सीमांकन करना। इस तरह ये मुख्य मुख्य पेन गांव के होते हैं। और अब देखते हैं कि इनके गोंगो कार्य क्या क्या होते हैं, यानी ये इतने प्रकार के तो पेन शक्तियाँ हुई। अब इनके गोंगो कार्य, एक तो ये कि एक खटला, खटला जो होता है जब भी कोई व्यक्ति किसी कार्य में फंस जाता है या किसी के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है या गांव में कोई विपत्ति आती है तो वो मेरे माध्यम से उसके कारण जाना जाता है, जाने कारण का इस तरह से होगा ये देखा जाता है होगा और वो सीधा बता देता है कि वो इस तरह इसका निदान इस तरह से होगा। तो सीधा पुजारी और घर का व्यक्ति और गांव के प्रमुख व्यक्ति जो हैं वो गांव की सीमा के बाहर जाते हैं और वहां पर उसकी पूजा पूजा गोंगो करते हैं। और क्या जो भी सेवा पूजा देने का है चाहे वो मुर्गी हो बकरा हो भेड़ जो भी चीज़ का देने का हो तो वो सीमा के बाहर खटला में किया जाता है और उसमें सिर्फ पुरुष वर्ग ही जाते हैं और वहाँ महिलाओं का जाना वर्जित है। उसके ये भी देखा जाता है कि कई बार गायता के द्वारा कोई कार्य गलत हो गया तो उसका भी यानी खटला के द्वारा उसका निदान किया जाता है, वह भी गांव के बाहर ही किया जाता है। कई बार ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को शेर ने खा दिया
या किसी जानवर को शेर ने खा दिया तो उसका भी खटला किया जाता है, वो उस स्थान पर जाया जाता है जहाँ पर शेर ने उस जानवर को खाया, तो वहाँ पर एक पैरे वैरे का एक शेर बनाया जाता है और उसका उसको खींचा जाता है, यानी उसको घसीटते हुए ले जाते हैं और डुआलतित ये इस तरह का, ये एक तरह का टोटका किया जाता है ताकि जानवरों यानी जो जंगली जानवर है वो हमारे घरेलू जानवरों को न खाए। तो ये इस तरह के बहुत सारे टोटके होते हैं और इस टोट खटला में ये भी होता है कि जैसे पहुंचाने के समय भी खटला होता है तो जो सिंगस देवियां होती हैं, सिंगस यानी बीमारियां, चाहे वो हैजा हो, उल्टी दस्त हो, सर्दी खांसी बुखार, ये इस तरह के बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये बीमारियां हो जाती हैं, तो उसको भी यानी सिंगस देवियों के रूप में मान कर उसको गांव के बाहर निकाल दिया जाता है और उनके पूजा की सामग्री के साथ उन्हें विदा किया जाता है। तो ये इस तरह के कार्य को खटला कहा जाता है। और दूसरा है टर्फियाना। टर्फियाना माने जब भी कोई गांव के लोग जो होते हैं वो नाचने आदि के लिए, जैसे पुष्कोलांग के लिए हो, चाहे महिलाएं दियाड़ नाचने के लिए हो, चाहे अन्य किसी कार्यक्रम में सामूहिक रूप से गांव के बाहर जाया जाता है, तो गायता जो होता है वो उनको सीमा तक छोड़ने जाता है और सीमा में जाकर वो सात आंवला के छल्ले बनाता है और बाकी तरह के चावल दाल आदि छिड़क कर सीमा में उनके सकुशल वापस आने के लिए तलुन मुत्ते और जिम्मेदारी से प्रार्थना करता है कि वो जो जा रहे हैं वो ठीक ढंग से वापस आ जाए, नृत्य करके वापस सकुशल आए, उसके लिए वो प्रार्थना करता है। तो इस तरह की क्रिया को टर्फियाना कहा जाता है। और एक ये कुट पहचाना का मतलब होता है सीमा बंधन। जब भी गांव में मेला होगा या जात्रा होता है, यानी कोई भी पेन संबंधी कोई कार्य होता है, तो जो पेन शक्तियां होती हैं वो गांव को अभिमंत्रित करके उस जगह को, जैसे मेला स्थान है तो जब भी मेला होता है तो एक दिन पहले यात्रा होता है और उसका सीमा बंधन किया जाता है उस जगह का जहाँ पर मेला स्थान होना है। उसी तरह यात्रा होना है तो यात्रा का भी सीमा बंधन किया जाता है मंत्र शक्ति से, ताकि उसमें कोई अनिष्टकारी जो पेन शक्तियाँ हैं वो उसमें पदार्पण न कर सकें, किसी तरह का कोई बाधा न डाल सकें। इसलिए ये मंत्र शक्ति के द्वारा जो किया जाता है उसे कूट पहचाना किया जाता कहा जाता है। और यानी तोरमंडा गोंगो पूजा कहते हैं, ये दिवाली में यानी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा में किया जाता है। तोरमंडा किसे कहते हैं? तोरमंडा जो होता है दोपहर के समय जानवरों को जहाँ पर रखा जाता है और वो गोठान वाला जो स्थान होता है गोठान को तोरमंडा कहा जाता है, और वहाँ पर मवेशियों की सुरक्षा करने के लिए एक देव स्थापित होता है, निपिन शक्ति स्थापित होती है, जिसे भुकुर्रा देव या सहाड़ा देव भी कहा जाता है। तो इस शक्ति की पूजा दिवाली के अवसर पर की जाती है। और है एक चूहका गोंगो। चूहका
पहले चूहे का आपको बता दूं मैं, तो चूहे का क्या होता है कि गांव पहले पहले जमाने में एक एक व्यक्तियों के पास 100-100 करीब जानवर हुआ करते थे, बहुत बहुत से जानवर होते थे, और उन जानवरों के लिए वो यानी छत नहीं बनाता था बल्कि बस घेरा लगा के रखता था। और इन जानवरों के बहुत से जानवर यानी इन जानवरों को यानी जब चराने वराने जाते थे तो ये जो जानवर थे वो एक स्थान पर, अभी भी हर जानवर एक ऐसे स्थान को खोजते हैं जहाँ पर कि मिट्टी नमकीन हो, यानी पीली मिट्टी जो नमकीन होती है उस मिट्टी को खाने समस्त जानवर उस ओर भागते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये जो चूहका जो स्थान है वहाँ पर जल कन्याओं का वास होता है, और वहाँ पर यानी उनके खुर से जो गड्ढा होता है तो उस गड्ढे में जो पानी यानी आता है वह पानी जो है वो नमकीन मिट्टी के कारण वो बहुत मीठा हो जाता है, और मीठा होने के कारण जानवर उसे चूसते हैं, चूसने से होगा ये चूहका। तो इसकी पूजा यानी पूर्व काल में ऐसे स्थान बहुत से जानवर हुआ करते थे, और वो जो चरवाहा होता था वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था सभी जानवरों को। तो ऐसे स्थानों पर जो जो हिंसक जानवर थे जैसे शेर चीता लकड़बग्घा आदि जो जानवर थे वो जानवर घात लगाए बैठे रहते थे कि कब ऐसे स्थिति का सामने मौका मिले और वो जानवर उठा के ले जाए। तो हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों ने ऐसे स्थानों पर वो एक बनाया यानी क्या कहना चाहिए, एक देव स्थापित किया, पेन शक्ति को स्थापित, उनकी जो जानवर इसकी दिवाली के अवसर पर की जाती थी। भूखा गोंगो और एक हटियारिन, हटियारिन ये कहा जाता है बिना हटियारिन माता बाजार या मेला ये कहा जाता है जिस गांव में बाजार बाजार नहीं बैठा बैठता तो उस गांव से चोरी करके लाया जाता है, चोरी करके वहाँ स्थापित किया जाता है। वैसे उसके मूल रूप में रहता ही है लेकिन वह चोरी होकर यहाँ भी आ जाता है, और के साथ ही उसे क्या कहना चाहिए, ये हाट बसाने वाली या कहना चाहिए मेला बसाने वाली के रूप में जाना जाता है। तो ये हुए गांव के प्रमुख देव और गांव को पूजा यानी किस किस को कैसे पूजा किया जाता है या आराधना यानी गोंगो किया जाता है। अब देखिए प्रमुख पेन शक्ति के गुणों में मैंने सभी बड़ा पेन यानी सल्ला गागरा जिसको हम प्रकृति शक्ति सृष्टि का ये पंच तत्व ही सृष्टि है, और हमें जीना सिखाया है और हमें पाल पोस रही है और इसकी पूजा की जाती है। और दूसरा है बूढ़ी माता, और बूढ़ी जिसको हम बूढ़ा देव भी कहते हैं, जो पेन शक्ति हो गए हैं। पेन शक्ति के बाद गुणों में ये परंपरा है कि हमारे जो पेन शक्तियाँ हैं हमको प्रत्यक्ष सहायता करती हैं, प्रत्यक्ष हमारे साथ हमेशा रहती हैं, हमारे अच्छे और बुरे वक्त में हमारा साथ देती हैं, और हमें हर वो
विपत्ति से बचाने का कार्य किसी न किसी संकेत के माध्यम से देती हैं या सपना के माध्यम से देते हैं, लेकिन वो हमें हमेशा सहायक होते हैं। ये जो यानी जिसको हम हानाडुमा पेन जो कहते हैं, हानाडुमा, हाना का मतलब जो यानी मृत्यु को प्राप्त हो गए यानी हास पेन हो गए, और डुमा माने भूत, यानी हम लोग हमारे पूर्वजों को जो यानी हमारे बीच नहीं है फिर भी वो आत्मा के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे हर कार्य में साथ देते हैं। मृत्यु के बाद भी उनका अस्तित्व पेन शक्ति के रूप में हर परिवार की वो सहायता करता है, और ये इसकी प्रक्रिया मैं अब मृत्यु संस्कार के बाद से चालू करती हूँ। मृत्यु संस्कार वैसे जब मृत्यु संस्कार होता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जब होती है तो धरती माता मनी गायता से उस स्थान जहाँ पर उसे दफन किया जाना है उस स्थान की कीमत अदा की जाती है पहले, तब उसके बाद वहाँ पर दफनाने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगा। और मृत्यु के बाद उसकी अंत्येष्टि होती है, क्रियाकर्म होने के बाद कुछ स्थानों में यानी जैसे कांकेर क्षेत्र में है वो मछली पकड़ के लाया जाता है, और ये नारायणपुर क्षेत्र में ये होता है कि उसका जो कूड़ा भात यानी कहना चाहिए उसका जो प्रसाद जिस मटके में बना जाता है उस मटके को अंदर रखा जाता है उस आत्मा के रूप में। तो ये जो आत्मा होती है वो बहुत पावरफुल है, और यानी बहुत सी चीज़ों ने महसूस किया है। वो जब भी मैंने अगर बेटियां उस जगह में बेटियों को घुसने का यानी आदेश नहीं होता, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं यानी कुंवारी भी रहती हैं बड़ी में नहीं घुस सकती, तो बहुएं ही उस जहाँ कुंडा रखने के वाले स्थान में पहुंच सकती हैं। और रखने के बाद ये जो कुंडा रखने का विधान किस तरह का है, जब कुंडा रखा जाता है कुंडा रखने के पहले लकांज में वही व्यक्ति यानी घर के परिवार के ही सदस्य होते हैं, और उसमें एक व्यक्ति जो होता है समधि वर्ग का भी व्यक्ति उसमें शामिल होता है। समधि का मतलब ये होता है यानी समधि सगा कहा जाता है, जैसे नाना मामा और समधि माने मामा का बेटा समधि कहा जाता है, और ये तीनों मिलकर सगा होते हैं। और ये देखा जाता है कि इस प्रसाद को ग्रहण वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति उस कुल खानदान के जो भाई होते हैं यानी गोत्र उस पेन के गोत्र में के जो भाई जितने भाई होते हैं उसके बहन उनकी जो बहन होगी उन बहनों का बेटा ही ये इस तरह के कार्य को संपादित कर सकता है, दूसरा व्यक्ति इसको संपादित नहीं कर सकता। और हानाडुमा का स्थान जो होता है ये एक विशिष्ट कमरे में होता है, और वहाँ मैंने वह सब लोगों के जाने वाने के लायक नहीं होता यानी सार्वजनिक नहीं होता वो कमरा। वहाँ चावल का एक मटका भी रखा जाता है जिसे
ये हाना कुंडा और नुका कुंड, ये दोनों ही वहाँ पर रखे जाते हैं। और ये जो कुंडा यानी हाना डुमा जो होता है, हाना कुंडा जो रखे जाते हैं, ये पति पत्नी का ही रखा जा सकता है और तीसरा व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकता। मैं पहले ये सोचा करती थी कि यानी अगर हम लोग जो हैं वो कुड़ा को भीतर ही रखने का है, तो इतने सारे हमारे जो मृत लोग हैं या कहना चाहे हमारे हाथ पेन लोग हैं, तो हमारे घर में सारे के कुड़ा क्यों नहीं है, मुझे ये लगता था। लेकिन इसका जवाब मुझे और घर के लोगों से भी नहीं मिल पाया था। तो मैंने बाद में जब अध्ययन किया तब मुझे पता चला कि जब कोई पति पत्नी के अलावा जब उसका बेटा ने ख़त्म हो जाता है, तो वो ख़त्म होने के बाद उसके कूड़ा को सीधे से अंदर नहीं घुसाया जाता, बल्कि वो बाहर ही रखा जाता है। जब ये जो घर में जो हैं उस कूड़ा के कूड़ा को हनाल कोर्ट में पहुंचाया जाता है, यानी अब आप लोग हमारी सेवा जितने दिन करना है वो कर चुके हैं, अब वो हम हमारी सेवा करने वाला दूसरा आ गया है और अब आप मोक्ष को प्राप्त कर लिए, ये इस तरह का इस तरह की बातें हेलो आवाज़ नहीं आ रही है क्या? इस तरह की बातों के आधार पर ये मैंने हाना डुमा को रखा जाता है।